नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो के दुगदा थाना पुलिस ने दुगदा स्टेशन खटाल में छापेमारी कर एक ट्रैक्टर कोयला लगभग 3 टन जब्त किया। दुगदा पुलिस की माने तो यह अवैध कोयला जमा कर कोयला चोर अनियंत्र ले जाने की तैयारी में थे। इससे पहले ही दुगदा पुलिस को सूचना प्राप्त होने के उपरांत छापेमारी कर लगभग 3 टन कोयला दुगदा स्टेशन खटाल से जब्त कर थाने ले आई, जिस पर दुगदा थाना प्रभारी कन्हैया राम ने बताया कि FIR दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन के उपरांत ही पता चलेगा कि इस अवैध कोयले में कौन लोग संलिप्त हैं। कल एक छापेमारी किया गया था। कल गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आपका जो खटाल है दुगदा खटाल, उसका सिनेमा हॉल के आसपास कोयला बराबर के जमा करके बाहर भेजने के लिए जमा किया गया। गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ से गए, देखें कि वहाँ पर सच्चाई में कोयला रखा हुआ था। साथ में 2 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल लाल रंग का था जिसमें कि कोयला लूट था, और एक और मोटरसाइकिल साथ में ही खड़ा था जो कि दोनों मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट का है। दोनों को जब्त कर थाना लाया गया है, केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। किसी का नाम भी आया है क्या इसमें? नहीं, फिलहाल तो अभी देख रहे हैं। कितना टन होगा? लगभग 3 टन के लगभग 2 से 3 टन। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।